जानिए आखिर कैसे धर्मेंद्र, सनी या बॉबी देओल जब भी मुसीबत में पड़े तब सलमान खान ने दिल खोलकर मदद की। देओल परिवार के साथ सलमान खान का एक अलग ही रिश्ता हमें शुरू से देखने को मिला। जब जब देओल परिवार पर आन पड़ती है तब तब सलमान खान ने देओल परिवार की मदद की है, चाहे वो धर्मेंद्र हो या फिर उनके बड़े बेटे सनी देओल या फिर उनके छोटे बेटे बॉबी देओल। हर बार सलमान खान ने देओल परिवार के सदस्यों की मदद की है। इसी कड़ी में कयास लगाए जा रहे हैं कि सनी देओल, जो कि पिछले 10 से 12 सालों से कोई भी हिट फिल्म नहीं दे पाए हैं, उनकी एक फिल्म गदर 2 को हिट कराने में सलमान खान ने एक बड़ा कदम उठाया। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सनी देओल आने वाले समय में गदर 2 जैसी बड़ी फिल्म का हिस्सा बनने वाले हैं। अब बॉलीवुड के गलियारों से सामने आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो सलमान खान ने गदर 2 को हिट कराने के लिए सनी देओल के साथ हाथ मिला लिया है। जी हाँ, अब क्या आप सोच रहे हैं कि सलमान खान पठान 2 की तरह गदर 2 में कैमियो करते हुए दिखाई देने वाले हैं? तो जरा अपने दिमाग के घोड़े को लगाम दीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल सनी देओल अपनी आने वाली फिल्म गदर 2 के फिल्म का प्रमोशन बिग बॉस 16 में करते हुए नजर आने वाले हैं। अब हुआ कुछ यूं कि बॉलीवुड से जुड़े सूत्रों ने पिंक विला को जानकारी दी कि अमीषा पटेल और सनी देओल सलमान खान के साथ बिग बॉस के फाइनल में नजर आएंगे, यानी कि सनी देओल बिग बॉस 16 के फाइनल में अपना प्रमोशन करने वाले हैं और बिग बॉस पर गदर फिल्म की टीम दर्शकों को कुछ झलक भी दिखाएगी। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि बिग बॉस 16 में गदर 2 फिल्म का तड़का नजर आने वाला है। वेल दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। सलमान खान ने शुरुआत से ही देओल परिवार के सदस्यों को मदद की सौगात दी है। सबसे पहले बात करना चाहेंगे धर्मपाजी की। धर्मपाजी सलमान खान के बहुत ही करीबी बताए जाते हैं। धर्मपाजी बॉलीवुड इंडस्ट्री में 50 साल से ज्यादा सालों से एक्टिव हैं और ऐसे में बहुत सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा भी बनने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर सलमान खान धर्मपाजी के दीवाने हैं। आज भी धर्मपाजी सलमान खान के पसंदीदा हीरो हैं। सलमान खान ने प्यार किया तो डरना क्या में धर्मपाजी के साथ काम किया था और कहा जाता है कि धर्मपाजी ने इस फिल्म में काम करने के लिए एक भी पैसा नहीं लिया था। धर्मपाजी का इस पर कहना था कि सलमान खान उन्हें उनके जवानी के दिनों की याद दिलाते हैं, वो भी सलमान खान की तरह ही हैं, एकदम साफ और मुंहफट। तो वहीं धर्मपाजी के सबसे बड़े बेटे सनी देओल की बात करें तो सनी देओल के साथ भी सलमान खान का गहरा नाता रहा है। सलमान खान के टूटते करियर को एक बार सनी देओल ने भी बचाया था। अब दरअसल हुआ कुछ यूं कि जब सलमान खान ने अपने करियर की शुरुआत की थी तब सनी देओल बहुत बड़े स्टार बन चुके थे। हर कोई सनी देओल के साथ फिल्में करना चाहता था और वहीं दूसरी ओर मैंने प्यार किया के हिट होने के बाद सलमान खान को उस तरह के रोल नहीं मिल पा रहे थे जो उनके करियर को ऊंचाइयों तक ले जाए। ऐसे में सलमान खान ने खुद एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि जब उन्हें लग रहा था कि उनका करियर फ्लॉप हो रहा है तब सनी देओल और संजय दत्त जैसे बड़े सितारों के साथ वो काम करना चाहते थे और इससे सलमान के खाते में एक हिट फिल्म आ जाती। सनी देओल के साथ उन्होंने सुपर हिट फिल्म जीत में काम किया था और जिसने सलमान खान के टूटते हुए करियर को बचाने में काफी मदद की थी। फिल्मों से हटकर अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो सनी देओल और सलमान खान काफी अच्छे दोस्त हैं। कई मौकों पर दोनों एक साथ नजर भी आ चुके हैं। दोनों कई इंटरव्यूज में एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान भी दिखा चुके हैं। वहीं दूसरी ओर सनी देओल के छोटे भाई बॉबी देओल के डूबते करियर को बचाने में भी सलमान खान का काफी बड़ा हाथ है। अब जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बॉबी देओल अपने पिता धर्मपाजी और सनी देओल के नक्शे कदम पर चलकर अपने करियर की शुरुआत बरसात फिल्म से कर चुके थे और उनकी ये फिल्म सुपर डुपर हिट होती है। बॉबी देओल ने हमराज, अजनबी जैसी सुपर हिट फिल्मों में काम किया। हालांकि कुछ सालों से उन्हें काम मिलना बंद हो गया था और उनके करियर को एक बहुत बड़ा झटका भी लगा। एक नामी परिवार से बिलोंग करते हुए भी बॉबी देओल को कोई फिल्म इंडस्ट्री में पूछने तक को तैयार नहीं था। अब आते हैं हमारे भाईजान सलमान खान और उन्हें अपनी फिल्म रेस 3 में एक बड़ा मौका देते हैं। कहा जाता है कि रेस 3 में काम करने के बाद बॉबी देओल के करियर को एक ऊंची उड़ान मिलती है और इस फिल्म के बाद उन्हें हाउसफुल 3 जैसी बड़ी फिल्मों में काम करने का मौका भी मिलता है। इस बार बॉबी देओल ने सलमान खान की तारीफों के पुल बांधे और कहा था कि सलमान खान एक शानदार शख्स हैं और उनका दिल बहुत बड़ा है। सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि जिसकी वो दिल से परवाह करते हैं उसके लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देने के लिए तैयार रहते हैं। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं उन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक हूँ जिन्हें बहुत प्यार करते हैं। सलमान खान के बारे में बॉबी देओल आगे कहते हैं कि उन्होंने मुझे रेस 3 में काम करने का मौका दिया जो कि
मेरे और मेरे करियर के लिए बहुत सी नई चीजों की शुरुआत थी। बहुत से लोगों ने मुझे लंबे वक्त के बाद देखा था, नौजवान पीढ़ी ने तो मुझे देखा ही नहीं था। और जब भाईजान सलमान खान की फिल्में लगीं तो सभी देखने जाते हैं। रेस 3 की वजह से ही मुझे हाउसफुल 3 फिल्म में काम करने का मौका मिला और इस तरह नौजवान पीढ़ी ने मुझे नोटिस करना शुरू किया। बताना चाहेंगे कि रेस 3 में काम करने के बाद उनके स्टेटस में एक अलग ही चमक देखने को मिली और इसके बाद उन्होंने हाउसफुल 3 में काम किया। और इसके बाद तो आप सभी जानते हैं कि जब आश्रम सीरीज में बॉबी देओल ने अपना हाथ आजमाया तब उनके करियर को एक लंबी उड़ान मिल गई। अब ऐसे में आप भी समझ सकते हैं कि यदि सलमान खान ने बॉबी देओल की मदद नहीं की होती तो आज बॉबी देओल भी एक फ्लॉप एक्टर्स की लिस्ट में शामिल हो गए होते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सलमान खान गदर 2 फिल्म को हिट कराने के लिए गदर 2 फिल्म की टीम को अपने शो बिग बॉस 16 के फिनाले में इन्वाइट करते हुए दिखाई देने वाले हैं। गदर 2 फिल्म की अगर बात करें तो इसे 11 अगस्त 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा और अभी 26 जनवरी के मौके पर सनी देओल का इस फिल्म से जुड़ा हुआ एक लुक भी वायरल हुआ था जिसको देखने के बाद लोग बेसब्री से गदर 2 फिल्म का इंतजार भी कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपको भी गदर 2 का बेसब्री से इंतजार है तो जरा नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताइए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए देखते रहिए फिल्मी टॉक, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।